रायगढ़ में राष्ट्रीय इंटरेस्ट परीक्षा IIT JEE व NET में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों वाले शहरों तक जाने आने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बस, मिनी बस, जीप की व्यवस्था की गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपने प्रवेश पत्र दिखाकर इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। वाहन व्यवस्था परीक्षा केंद्र वाले शहर तक जाने तथा वापस आने के लिए उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय स्तर की इंटरेस्ट परीक्षाओं IIT, JEE और NET में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों वाले शहरों तक जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बस, मिनी बस तथा जीप की व्यवस्था की गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं अपने प्रवेश पत्र दिखाकर इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। वाहन व्यवस्था परीक्षा केंद्र वाले शहर तक जाने तथा वापस आने के लिए उपलब्ध कराई गई है। एंट्रेंस परीक्षा में भाग लेने वाली छात्राओं के साथ उनके अभिभावक को भी निःशुल्क यात्रा कराने की अनुमति दी गई है। छात्रों के लिए किए गए वाहन की व्यवस्था पर होने वाले व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल एवं सुश्री तरसीला एक्का को रायगढ़ जिले के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा के लिए आज छाल के रहने वाले छात्र सूरज सिदार ने बताया कि वे कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी परीक्षा के लिए बिलासपुर नहीं जा रहे थे, परंतु जब उन्हें पता चला कि जिला प्रशासन द्वारा वाहन उपलब्ध किया जाएगा, तब वह नोडल अधिकारियों से संपर्क कर आज बिलासपुर रवाना हुए हैं। सूरज सिदार ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से मेरी तरह के छात्र आज परीक्षा से वंचित नहीं हो पाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थी छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतते हुए मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार बस, मिनी बस तथा जीप के चालकों एवं परिचालकों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं JEE मेंस का एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं अगर गवर्नमेंट गाड़ी की सुविधा नहीं कर पाती तो मैं ये एग्ज़ाम दे नहीं पाता, और मेरे पेरेंट्स भी ड्यूटी में हैं तो उनके वो नहीं आ पाते, पर गवर्नमेंट ने गाड़ी इसकी सुविधा की है तो मैं एग्ज़ाम देने जा पा रहा हूँ। कुछ बोलना चाहोगे कि बहुत अच्छी सुविधा हुई है बहुत से बच्चों को? हाँ, मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने सभी बच्चों के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की है। अगर नहीं करते तो बहुत से बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे नहीं पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अभी क्योंकि बसेस का संचालन बंद है तो जितने भी लोग IIT NET के लिए अपीयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम शासन की तरफ से व्यवस्था करेंगे वाहनों की, और वो सब लोग हमने अभी आज नोडल अधिकारी सब विकासखंड वाइज जारी किए हैं, सभी लोग उस पर अपना जानकारी दे सकते हैं। इसमें जाने के लिए सिर्फ एडमिट कार्ड काफ़ी रहेगा, छात्राओं के लिए एक गार्डियन साथ में ले जाने की व्यवस्था भी रहेगी, तो ये सब पूरी निःशुल्क रहेगी शासन की तरफ से। तो जिनको भी इस परीक्षा में भाग लेना है जो 1 से 6 तारीख तक होगी, तत्काल जो है हमारे जो इन नंबर्स हैं, एक इसमें सब विकासखंड वाइज नंबर, विकासखंड वाइज भी नंबर है और जिला स्तर पर अलग से भी नंबर हैं, तो किसी पे भी आप जो भी विकासखंड हो या जिला स्तर पर बताना चाहें आप बता सकते हैं और हम इसके लिए व्यवस्था करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।